अब यहाँ पर देखो भाई लिखा है कृपया झरने में न जाएं, ये इसलिए ना क्योंकि ये झरने काफ़ी हाइट से गिरते हैं और ऐसे बारिश वाले टाइम पे ना ऊपर से और पत्थर भी गिर सकते हैं। बाकी जो ये सामने वाला जंगल है, अभी मेरे पीछे भी अभी एक बहुत बड़ी गुफा है और अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना तो मधुमेश्वर वैली का पहला गाँव है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो देखो भाई, दो दिन से जो कंटिन्यू बारिश हो रही थी, आज तीसरे दिन भी शुरू हो गया है सुबह से, और अगर आज मौसम सही रहेगा तो शाम के टाइम पे मुझे मधुमेश्वर वैली के लास्ट गाँव गोंडार गाँव में जाना है। अब यहाँ से ठीक सामने जो ये पहाड़ हैं, तो यहाँ पर जो ये भी से बना हुआ है तो उसके आगे है गोंडार गाँव। अब यहाँ से जाने में गोंडार मधुमेश्वर वैली का लास्ट गांव है, उससे आगे द्वितीय केदार मधुमेश्वर धाम है, और अगर वहाँ से स्टार्ट करें तो गोंडार मधुमेश्वर वैली का पहला गांव है। तो ये कुछ बात है। अभी दिन के 12 बज रहे हैं और मैं निकल गया हूँ गोंडार गांव के लिए, और अभी निकलना ठीक भी है क्योंकि अभी ना मौसम भी ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, और मेरे साथ अक्खी भी आ रहा है। तो पहले चलते हैं अक्खी के यहाँ पे, और पीछे देखो डब्बू भी, मैं घर से निकलता हूँ, डब्बू भी पीछे पीछे। घर घर चल, घर जा, घर जा, जा। और यहाँ से तो नीचे चला गया है ना कहीं से वो मेरे से आगे जाएगा, या तो यहाँ से दूर जंगल से जाएगा। देखो कैसे दिख रहा है, इधर मत आना। अब ऐसा होता है ना, जिनका घर अकेली जगह पे है उनका डॉगी अगर गांव में जाएगा तो गांव के जितने भी कुत्ते ना सारे मिलकर काटते हैं भाई, तो इससे बढ़िया है कि वो गांव में जाए ना। अब अभी घर से निकला ही था, देखो बारिश लगनी शुरू हो गई है, और मैंने ना छाता भी नहीं रखी घर से, तो देखो किस्मत ही ख़राब है। किस्मत ख़राब नहीं, मौसम ही ख़राब है भाई, क्या करें, डेली बारिश ही लग रही है। तो चलो भाई, अभी अक्की के घर पे भी पहुंच गया हूँ। तो अभी हम लोग गांव से आगे आ गए हैं, यहाँ पर लास्ट यहीं तक रोड आती है, और यहाँ पर हम बाइक से आए, बाकी अक्खी भी है। तो अक्खी का ना गोंडार गांव में कुछ काम है, तो रिश्तेदारों के वहाँ जा रहे थे, तो पैदल वाला रास्ता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी चल लेता हूँ, बाकी बाइक लगाई है हमने यहाँ पर। और ऊपर से ना एकदम खड़ी चट्टान है, अगर कोई पत्थर गिर गया तो समझ लो बाइक गई फिर, और आगे भी बहुत सारे ऐसे पत्थर गिर रखे हैं। ठीक सामने दिखाई दे रहा है मधुमेश्वर वैली का लास्ट गांव गोंडार गांव, ये देखो भाई, तो वहां जाना है हमें। अब बारिश की वजह से देखो भाई यहां पर हर जगह कीचड़ कीचड़ हो रखा है, और यहां से आगे रोड की कटिंग भी हो रही है अभी गोंडार गांव के लिए, तो देखते हैं कब तक गोंडार गांव रोड जाती है। बाकी हमें यहाँ से नीचे जाना है, ये वाली रोड आगे की तरफ जा रही है, आगे तक ये अभी रोड बनी है, और यहाँ पर देखो भाई लिखा है श्री मधुमेश्वर पैदल मार्ग। अब यहाँ से मधुमेश्वर का पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है, और मधुमेश्वर यहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर के आसपास है, और 22 मई को मधुमेश्वर धाम के कपाट भी खुल जाएंगे, तो उसके बाद यात्रा शुरू हो जाएगी यहाँ के लिए भी। अब यहाँ पर नई नई रोड की कटिंग की वजह से ना जो पुराना वाला रास्ता है वहाँ पर बहुत सारे पत्थर आ रखे हैं, और ऐसे बारिश वाले टाइम पे ना ऊपर से और पत्थर भी गिर सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते के ठीक ऊपर रोड का काम लगा हुआ है, तो ऐसी जगह पे हमें जल्दी चलना पड़ेगा। अब सामने देखो भाई बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और बर्फ़ भी आजकल डेली बारिश हो रही है ना, तो ऊपर पर पहाड़ों पर बहुत सारी है। अभी हमारे चारों तरफ एकदम चीड़ का घना जंगल है, और चीड़ की पत्तियां जब नीचे गिरती हैं ना तो उनमें बहुत ज़्यादा फिसलन होती है, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन आज बारिश है तो बारिश में जब पत्ती भीग जाती है ना तो उसके बाद उसमें उतनी फिसलन नहीं रहती है। बाकी ये पीछे देखो बिजली के पोल दिखाई दे रहे हैं,
ये बिजली की लाइन गोंडार गांव के लिए जाती है। कुछ टाइम पहले ही गोंडार गांव में बिजली गई है। हमारे गांव रांची से मनमेसर वाला ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर चारों तरफ एकदम नेचुरल ब्यूटी दिखती है, बहुत सारे झरने, नदी, घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ, सब कुछ दिखती है। और ऐसे में ना इस ट्रैक पे चलते टाइम थकान भी नहीं लगती है, क्योंकि चारों तरफ झरने दिखते हैं, तो उनको देखते देखते थकान का पता ही नहीं लगता है कि कब ट्रैक पूरा हो गया। और अभी देखो भाई, कोहरा लग गया है चारों तरफ और हम घने जंगल के बीच जा रहे हैं। तो ये वाला झरना देखो कितना मस्त लग रहा है। और ये है भीमसी वाटरफॉल। आजकल यहाँ पर इतना पानी है, सोचो मॉनसून के टाइम पे कितना पानी रहता होगा। उस टाइम तो ये पूरा भरा रहता है और बड़ा प्यारा लगता है। वहाँ से जब ये झरना गिरता है ना, तो उसकी फुहारें यहाँ तक आती हैं, इस पुल तक। और नीचे देखो एक तालाब भी बना हुआ है मस्त। और उधर साइड तो मुझे लग रहा है काफ़ी गहरा भी होगा। तो देखो बड़ा प्यारा लग रहा है भाई। अब जो ये पुल बना है, इसके ऊपर साइड भी झरना है प्यारा सा। और यहाँ से नीचे के साइड भी देखो एक झरना है। ओ भाई, और तालाब भी गहरा सा होगा ये। कृपया झरने में न जाएं, ये इसलिए ना क्योंकि ये झरने काफ़ी हाइट से गिरते हैं और काफ़ी वेग से गिरते हैं ना, तो नीचे जो तालाब बना है तो काफ़ी गहरे रहते हैं। क्योंकि बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि ये इतने गहरे भी हो सकते हैं, तो एक चेतावनी लिखी रहती है ताकि वो भी संभल जाएं इस चीज़ से। बाकी जो ये सामने वाला जंगल है, अभी देखो भाई पूरा कोहरा ऐसे जंगल के बीच से ऊपर की तरफ जा रहा है और वहीं से होकर आए हम। ये जो घना जंगल है ना, तो यहाँ से वैसे तो अब जंगल में बुरांस के फूल समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस बार का मौसम ही कुछ ऐसा है, बारिश हो ही जा रही है टाइम टाइम पे। और देखो अभी पेड़ों पे बहुत सारे बुरांस के फूल खिले हुए हैं। अब रास्ते में चलते चलते यहाँ से देखो भाई नदी की आवाज़ और तेज़ सुनाई देने लगी है, और यहाँ से नदी भी बिल्कुल पास में दिखाई देने लगी है। तो ये नदी है मधुगंगा, जो मेरे घर के ठीक नीचे दिखती है। बाकी कुछ ऐसे रास्ते हैं यहाँ पर, थोड़े से खतरे से भरे हुए हैं। अगर यहाँ से कोई गिर गया ना, तो नीचे एकदम गहरी खाई है, ये देखो। अब ऐसे रास्तों में पैदल चलने में तो डर नहीं लगता है, लेकिन जो लोग घोड़े खच्चर में बैठकर जाते हैं ना, तो उनको पक्का डर लगता होगा, क्योंकि इतनी हाइट से जब वो नीचे देखते होंगे ना, तो थोड़ा सिर चकराता ही होगा। बाकी गोंडार है अब यहाँ से लगभग 1.7 किलोमीटर। छाता होने के बावजूद भी ना, नीचे ट्राउज़र, थोड़ा बहुत जैकेट भीग गया है, और इसीलिए मैंने जूते नहीं पहने। मुझे पता था दिन भर बारिश रहेगी, अगर जूते पहनूंगा ना तो पूरे जूते भीग जाएंगे, फिर चलने में भी थोड़ा दिक्कत होती है। शाम के 4 बजने वाले हैं और ठीक सामने पे देखो गोंडार गांव दिखने लग गया है। रांची और गोंडार गांव के बीच ऐसे बारिश और धूप से बचने के लिए कोई शेल्टर तो बने नहीं हैं, लेकिन ऐसे नेचुरल चीज़ें जैसे गुफा, ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं, तो वहाँ पर आराम से जब तेज़ बारिश हो उस टाइम रुक सकते हैं। मेरे पीछे भी अभी एक बहुत बड़ी गुफा है, तो वहाँ पर ना आराम से 4 कमरे के बराबर जगह होगी उसके अंदर। तो ये देखो इतना बड़ा पत्थर है यहाँ से लेकर वो ऊपर तक, और यहाँ इसके बीच से होकर रास्ता जाता है यहाँ से, ये देखो। तो यहाँ पर माता रानी का मंदिर है, जय हो माता दी। आते टाइम ज़्यादा बारिश न लगे हमें। तो पहुंच गए हैं अभी हम लोग गोंडार गांव में, और ये है मनमेसर वैली का लास्ट गांव अगर आप यहां पर आ रहे हो। और अगर यहां से शुरू कर रहे हैं ना, तो मनमेसर वैली का पहला गांव है। तो आप फटाफट यहां पर जो भी काम है, अक्षी को शायद अपने किसी रिश्तेदार से मिलना है, तो वो काम करते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहां से। और ठीक यहां से ऊपर की तरफ जहां वो पहाड़ों पे बादल हैं, तो उधर साइड है मधमेश्वर धाम। के योजन अंकित के
अब अभी गोंडार गांव में हमारा जो भी काम था वो हो गया है और अब हम निकल गए हैं घर के लिए। और यहाँ गोंडार गांव में हमारे इतने रिश्तेदार हैं, मुझे तो उनके घर भी पता नहीं है कि कहाँ कहाँ पर है। और अभी ना किसी के यहाँ पर भी नहीं गया मैं, जहाँ पर रखी का काम था सिर्फ वहीं पर गए और निकल गए। और बारिश इतनी भयंकर हो रही है कि कोई बाहर था भी नहीं। तो चलो अच्छी बात है, अब हम भी जल्दी जल्दी घर के लिए निकलते हैं। तो चलो जी, फाइनली पहुंच गए हैं गोंडार गांव से वापस अक्तूली धार में। अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और अब यहाँ पर ना चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। ये देखो यहाँ पर एक होटल है और उधर गए थे हम, सामने देखो भाई कितनी दूर है। यहाँ पर और भाई लोग भी हैं, ऋतिक है, मनीष और प्रदीप। अभी रात के 8:30 हो रहे हैं, थोड़ी देर हम गांव में रहे और आज मैं हूँ अखी के यहाँ पे। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।